14 मई को मनाए जाने वाले ईद पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की गई हैं। इसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ईद पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था की गई है। मस्जिदों की सफाई के कार्य शीर्ष स्तर पर किया जा रहा है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, जो ईद को सकुशल संपन्न कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। एडीएम सिटी ने कहा कि किसी भी तरह के अवांछित तत्वों पर शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एडीएम सिटी ने कहा कि नमाज अदा करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने सभी मुस्लिम भाइयों से अपील किया है कि कोविड से बचें, जिससे त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ईद के पर्व के लिए प्रशासन की तरफ से 24 घंटे बिजली की व्यवस्था, 24 घंटे पानी की व्यवस्था और 24 घंटे सफाई की व्यवस्था, सभी ईदगाह स्थलों की मस्जिदों की सफाई का कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर किया जा रहा है। पूरा जिला प्रशासन के मजिस्ट्रेट्स और सारे पुलिस प्रशासन के मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लग गई है और सभी लोग प्रत्येक स्तर पर ईद की त्यौहार की खुशियों से मनाए जाने में पूरा सहयोग और पूरी व्यवस्था करेंगे। किसी भी अनवांछित तत्व को किसी भी प्रकार की शांति भंग करने की कोशिश नहीं करने देंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, नमाज को लेकर क्या निर्देश है? नमाज के लिए तो ईदगाह में सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाकर ही सभी से अनुरोध है मुस्लिम भाइयों से कि कोविड से बचें, ताकि इस त्यौहार की खुशियाँ पूरे साल भर बनी रहें। कोई भी प्रिय बंधु को खोने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं।